सोच रहा हूँ मम्मी को ये बात बोलूँ या नहीं। तो क्या बात है? मम्मी, मेरा दो फ्रेंड आया है गेट के सामने, तो मेरे से खाना मांग रहा था। अगर मम्मी मारेगी तो बाहर का दरवाजा खुला है कि नहीं देख लेता हूँ, भागना पड़ेगा। एक्चुअली मम्मी, उन लोगों को ना 2-3 दिन से कुछ खाना नहीं मिला। आस पास के घर से जो खाना देता था ना, वो भी बंद है, तो इसीलिए वो लोग मुझे बुला रहा था, तो इसीलिए मैं बोलना चाहता था। अभी माफ पड़ेगा, अभी चिंता मत कर, अभी मैं बोलती हूँ तेरे फ्रेंड को खाना देने के लिए, ठीक है? अभी मम्मी, आप हो इसलिए तो मुझे चिंता नहीं है। बहुत अच्छे हो आप। अब दीदी को भूल दो, उन लोगों को खाना खिला दे। मुझे भी थोड़ा नीचे जाने का मन था। मम्मी डांटेगी। दीदी, मैं यहाँ हूँ खिड़की पे। दीदी, क्या बात कर रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत दिन हो गए नीचे खेलने भी नहीं गए। दीदी, मुझे भी लेके जाओ ना प्लीज, मुझे भी नीचे आना है आपके साथ। नहीं, मम्मी मारेंगी। हेलो। हाँ बोल। मुझे पता है, लेकिन अभी तो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते ना, लॉकडाउन चल रहा है। मैं भी घर पे बैठी हूँ, तुम लोग भी शांत से घर पे बैठो, लॉकडाउन के बाद मिलते हैं। गाना कितना प्यारा था, पता नहीं बीच में किसका फोन आ गया। गार्डन कितना अच्छा लग रहा है, कब खेलने जाऊँ पता नहीं। दीदी ऊपर आ गई है, दोनों मिलके वाटर मेलन खाएंगे। सुनो, अभी तुम लोग जाओ, कल आना, मम्मी को बोल दिया खाना रख देगा तुम लोगों के लिए। कोई समझता नहीं है हमारी भाषा, मेरी मम्मी की तरह। खाना तो नहीं देते, उल्टा मारते भी है। क्यों ऐसे करते हो दुनिया वालों, थोड़ा सा भी रहम करो हम लोगों के ऊपर। मारो मत, खाना मत दो तो भी चलेगा। हम लोग आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मैं अंदर जाता हूँ, फिर मिलेंगे।